रोमानवी अंदाज, शौक और चंचल अदाओं से मद्दाहों के दिलों में जगह बनाने वाली भारतीय अदाकारा परिणीति चोपड़ा अब जल्द बड़े पर्दे पर जासूसी करती नजर आएंगी। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी नई आने वाली फिल्म का ऐलान करते हुए इसका टीजर अपलोड किया है। परिणीति चोपड़ा ने बताया कि वो अपनी नई फिल्म कोड नेम तरंगा में इंटेलिजेंस एजेंट का किरदार अदा कर रही हैं। परिणीति चोपड़ा ने मजीद लिखा कि अपने मुल्क के लिए मिशन करना एजाज है। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म के जरिए परिणीति चोपड़ा एक तवील अरसे के बाद बड़े पर्दे पर वापस आ रही हैं। वो फिल्म में मरकजी किरदार अदा करती नजर आएंगी, जबकि उनके साथ हॉडी सिंधु और शरद केलकर अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म के हदायतकार रिबुदास गुप्ता हैं। याद रहे कि फिल्म कोड नेम तिरंगा की कहानी एक इंटेलिजेंस एजेंट के गिर्द घूमती है जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुश्मन का मुकाबला करती है। परिणीति चोपड़ा एक तवील अरसे के बाद बड़े पर्दे पर वापस आ रही हैं। इससे पहले 2021 में परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना रिलीज हुई थी जो बुरी तरह फ्लॉप रही, जबकि इससे पहले संदीप और पिंकी फरार और जबरिया जोड़ी भी फ्लॉप रही। फिल्म 14 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म के बारे में ट्विटर पर भी सारिफिन की जानिब से तबसरे देखने में आ रहे हैं। रिटा ने लिखा कि आखिरकार एक्शन फिल्म आ गई, मुझे बहुत पसंद आ रही है। करण विंजानी लिखते हैं कि हमें कल से इंतजार था जिसका दोनों स्टार्स ने हक अदा कर दिया। शानदार काम, उम्मीद है हमारी परी चमकेंगी। प्रूफ आरएम कहते हैं कि बेहतरीन टीजर, पहला दिन शो देखूंगा, दुआ है कि फिल्म 100 करोड़ उबूर करे। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।